जो ये बहस हो रही है, ऐसा मुझे ऐसा नहीं ले कि हल नहीं, हल एक ही है। डॉक्टर राम लोहिया जी ने एक बार मीटिंग बुलाई संबंध में, ये है कि जितने शहर हैं उनकी गंदी नाली जाती है गंगा के अंदर, वो तो बता, तो उन शहरों की गंदगी को पीछे खींचते मोड़ कर नाली बना दी जाए जिससे गंगा में आए। और मैन है उसमें मसला तो आता है जमुना में, यह है कानपुर, इलाहाबाद और पटना, इनकी जो गंदगी है शहरों की वो आती है गंगा में, गंदगी उससे होती है। अब उस गंदगी के नाली पीछे कर दिया है, खेतों में जाएगी, खाद भी होगी, पैदावार भी बढ़ेगी और गंगा साफ रहेगी। इसके अलावा कितनी बहस कर लो, कितनी मीटिंग कर लो, कोई उपाय नहीं, केवल एक उपाय है। इसलिए मेरा सुझाव है कि मंत्री जी, ये नालियां हैं जो, तो पीछे कर दो, खेतों में जाए, खाद बनेगी, पैदावार बढ़ेगी और गंगा गंदगी खत्म होगी। ये जो कह रहे हैं कि कमेटी, अगर कोई काम न करना हो तो कमेटी बना दूं, अरे बता दू, ये सच्चाई है, अगर कोई काम न करना हो तो कमेटी बना दूं। यस मिनिस्टर, माननीय मुलायम सिंह जी को ये अच्छी तरह से पता है कि हमको जो चुनौती मिलती है हम पूरा करते हैं, खाली कमेटी नहीं बनाते। उन्होंने कई बार देखा है जब वो मुख्यमंत्री थे और हम आंदोलनकारी थे, इसलिए खाली कमेटी नहीं बनेगी, परिणाम में परिणत होगी। उन्होंने जो बात कही है वो कही है कि जो ट्रीटेड वाटर है उसको गंगा में जाने देने के बजाय, हमने जो नमामि गंगे का जो कैबिनेट का नोट अप्रूवल हुआ है मैडम, उसमें ही हमने ये बात स्पष्ट की है कि जो ट्रीटेड वाटर है वो गंगा में ना जावे बल्कि वो दूसरे पर्पज के लिए यूज हो। और ये पहली बार हुआ भारत में कि मथुरा रिफाइनरी वालों के साथ हमारा एमओयू साइन हुआ जिसमें धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे, माननीय नितिन गडकरी जी मौजूद थे, और ये तय हुआ कि यमुना का जो गंदा पानी होगा उसको ट्रीट करके वापस यमुना में नहीं डालेंगे बल्कि मथुरा की रिफाइनरी उसका इस्तेमाल करेगी। रेल मंत्री महोदय के साथ में भी एमओयू साइन हुआ है कि ट्रीटेड वाटर को वो इस्तेमाल करेंगे। एग्रीकल्चर के साथ में भी हमारा ये साइन हो रहा है कि एग्रीकल्चर के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। और अभी मुझे माननीय नितिन गडकरी जी ने जानकारी दी है मेरे विभाग के लिए कि 1700 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट हुआ है जो ड्रेजिंग होगी जिससे कि सिल्ट हटेगी और बहुत जल्दी गंगा और उसकी बहुत सारी सहायक नदियां सिल्ट से भी मुक्त मिलेंगी। और ट्रीटेड वाटर का अदर पर्पज के लिए उपयोग होना, इसका कैबिनेट में भी अप्रूवल हुआ, ईएफसी में भी अप्रूवल हुआ, एमओयू साइन हो गए और उस पर 3 प्रोजेक्ट टेंडरिंग प्रोसेस में चले गए हैं जिसमें एक हरिद्वार ऋषिकेश का है नमामि गंगे का, एक बनारस का है और एक खुद मथुरा वृंदावन का है। मतलब गंगा और यमुना के 3 प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी इस प्रिंसिपल के ऊपर टेंडर में चले गए हैं और किसी भी दिन उनके टेंडरिंग की बिड खुलने वाली है। मैं आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी दे रही हूँ।